हाँ सर, हाँ देखो बेटे, यहां पर बैंक और कैश दोनों मेरे लिए एसेट हैं। यहां पर कैश कम हो रहा है यानी एसेट कम हो रही है, तो बेटे क्रेडिट हो गया। बैंक इंक्रीज हो रहा है यानी एसेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट हो गया। जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं बेटे तो डेबिट होता है, और जब एसेट्स डिक्रीज होती हैं बच्चों तो वो क्रेडिट होता है। तो कैश और बैंक दोनों ही मेरे लिए एसेट हैं। जैसे मेरी एसेट इंक्रीज हो गई वो डेबिट हो गया, जैसे मेरी एसेट्स डिक्रीज हो गई बेटे वो क्रेडिट हो गया। यानी एसेट्स के ऊपर इफेक्ट देखना था, मेरे पास से कैश कम हो गया और दूसरी तरफ मेरे पास बैंक इंक्रीज हो गया, दोनों ही मेरे लिए एसेट हैं। एक बार एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक बार एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो बेटे जब एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया, और जब एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटे। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। बेटे मैं आपको फिर यहां पर ये वर्ड पे अंडरलाइन करवा रहा हूं, यहां पे वर्ड आ रहा है गुड्स, और मैंने आपको बार बार समझाया है, अच्छे से समझाया है, नोट्स भी लिखवाए हैं कि बेटे जब भी कभी हम गुड्स को परचेज करेंगे, बच्चे कभी भी गुड्स को परचेज करेंगे तो बेटे उसको कहा जाता है परचेजेस। आप जब भी कभी गुड्स को परचेज करेंगे तो बेटे उसको कहा जाता है परचेजेस। तो जब आपने गुड्स परचेज करा तो बेटे उसको कहा गया परचेजेस, यानी परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। तो सर हमारे पास पहला क्वेश्चन है डेबिट के लिए, हमारे पास क्या आया? तो आपके पास गुड्स आए, और बेटे गुड्स का आना आपके लिए कहलाता है परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट, ₹15,000। क्रेडिट के लिए हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से क्या गया? हमारे मतलब बिजनेस के पास से क्या गया? सर बिजनेस के पास से कैश गया, बिजनेस के पास से कैश गया। तो बेटे जब कैश गया तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ₹15,000 आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग द गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग द गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 6, मैं इसी ट्रांजैक्शन में एक वर्ड चेंज करूंगा बेटे। देखो परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 अगेंस्ट चेक। बेटे मैंने यहां पे वर्ड लगा दिया है चेक, आप बेटे गुड्स परचेज कर रहे हैं और मैंने वहां पे वर्ड लगाया है बेटा चेक, और मैंने आपको बार बार समझाया है चेक का मतलब होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंक। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंक, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास गुड्स आए सर, गुड्स का आना आपके लिए कहलाता है परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹75,000। हमारे पास से क्या गया सर? आपके पास से चेक गया। जब कैश जाता है तो आप कैश को क्रेडिट करते हो, जब बेटे चेक जाएगा आपके पास से तो आप बैंक को क्रेडिट करोगे।
टू बैंक अकाउंट। Being the goods purchased against check, being the goods purchased against check, ठीक है। पॉइंट नंबर सेवन, बच्चे साथ साथ नोट करें। बच्चे साथ साथ नोट कर रहे हैं, परचेज गुड्स of rupees ₹5,000 in cash from Ramesh। बेटे यहां पे देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया है, उसने यहां पर कैश भी वर्ड लिख दिया है और जिससे परचेज किया है, जिससे परचेज किया है उसका नाम भी लिख दिया है। यहां पे उसने बेटे साफ साफ बोला है कि हमने गुड्स कैश में परचेज करे हैं, लेकिन आपने जिससे गुड्स परचेज किया है उसका नाम भी लिख दिया है, रमेश। यहां पे उसका नाम भी लिख दिया बेटे रमेश का, यानी परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। यानी आपने यहां पर कैश के साथ साथ रमेश का नाम दे दिया। तो बेटे इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे पास इसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास इस नाम की अभी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा है इन कैश। आपने गुड्स कैश में परचेज करे हैं बच्चों, आपने गुड्स कैश में परचेज करे हैं, यहाँ पे इस नाम की अभी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि साफ साफ लिखा है इन कैश। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास गुड्स आए परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹5,000, हमारे पास से क्या गया, कैश गया टू कैश अकाउंट 5,000। तो बीइंग द गुड्स परचेस्ड अगेंस्ट कैश, पॉइंट नंबर एट, मैं इसको इंपॉर्टेंट लिखता हूं। बच्चे साथ साथ नोट करेंगे और मैं इसको इंपॉर्टेंट लिखता हूं। परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 फ्रॉम रमेश। सर इस ट्रांजेक्शन में तो कहीं पर भी कैश या चेक वर्ड नहीं है, यानी बेटे जब मैंने आपको पहली क्लास में सेकंड क्लास में अच्छे से समझाया था कि जब भी कभी किसी का नाम आपको मेंशन किया जाएगा तो बेटे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी, मैंने आपको ये बात लिखवाई भी थी। सर आप एक बार बता देंगे, हाँ बेटे देखो मैंने आपको लिखवाई भी,
इफ अ ट्रांजेक्शन इज ऑफ सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स गिविंग द नेम ऑफ द सेलर और परचेजर एंड इट इज नॉट स्टेटेड दैट कैश इज ट्रांजेक्टेड. देखो हमारे वहां भी नहीं लिखा हुआ कैश में कोई ट्रांजेक्शन हुई. इट इज अकाउंटेड एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो बेटे हम उसको अपने लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे, हम उसको अपने लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे. इफ अ ट्रांजेक्शन इज ऑफ सेल्स और परचेजेस ऑफ गुड्स गिविंग द नेम ऑफ द सेलर और परचेजर एंड इट इज नॉट स्टेटेड दैट कैश इज ट्रांजेक्टेड. ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि बेटे कैश ट्रांजेक्टेड है. ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि यहां पर कैश ट्रांजेक्टेड है, तो हम इसको अपने लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे. तो बेटा ये हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी. ठीक है सर. तो परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 75,000 फ्रॉम रमेश, डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास क्या आया? सर आपके पास गुड्स आए, गुड्स का आना आपके लिए कहलाता है परचेजेस. परचेजेस अकाउंट डेबिट. क्रेडिट के लिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास से क्या गया? सर आपके पास से कुछ भी नहीं गया. हमारे पास से क्या गया? सर आपके पास से कुछ नहीं गया. किसके पास से गया? किसके पास से गया? सर रमेश के पास से गया. ओके बेटे, तो टू रमेश अकाउंट. जब भी कभी हम नाम लिखेंगे तो यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, रमेश अकाउंट. या फिर बेटे आप सिर्फ रमेश लिखना चाहते हैं, एस लगाना नहीं चाहते हैं, तो आप सिर्फ रमेश अकाउंट ना लगाएं, फिर आप उसके आगे 75,000. Being the goods purchased on credit. Being the goods purchased on credit. बच्चों को यहां तक की सारी बातें समझ में आई हैं?